एक्शन मोड रे जोगी सरकार 6 अधिकारी सस्पेंड 300 पृष्ठार जांच रिपोर्ट दाखल कला एसआईटी हाथरस दोलाचकटा घटन एक्शन मोड रे जोगी सरकार दोलाचकटा घटन एसआईटी जांच रिपोर्ट प्रदान करिया परे एसडीएम तहसीलदार सर्कल अफिसर समेत 6 अधिकारी निलंबित कर आज 300 पृष्ठार जांच रिपोर्ट दाखल कर एसआईटी रिपोर्ट में सत्संग आयोजन कर कमिटी एवं अफिसर उदासीनता को टार्गेट कर आयोजन कमिटर बेपरुआ मनोभाव सीमित सुरक्षा व्यवस्था एत बड़ दुर्घटना घटी कहले रिपोर्ट में क्योंठ भी भोले बाबा विरोध में उल्लेख होना एसआईटी निज तदंत रिपोर्ट में भोले बाबा एक प्रकार क्लीन चिट देई दी एसआईटी निज 300 पृष्ठार रिपोर्ट में 119 जन बयान रेकर्ड कर हाथरस डीएम एसपी सत्संग अनुमति देखा एसडीएम सत्संग में मुतयन पुलिसकर्मी बयान रेकर्ड कर यहाँ बाद दे मृतकों परिवारवर्ग और गुरुतर होता श्रद्धालु बयान रेकर्ड हो सत्संग 80,000 लोकों समागम निम्ते आयोजकों अनुमति मिलता मात्र एथिरे प्राय 2,00,000 रु अधिक लोक एकत्रित होते आयोजक कमिटी एथि निमन्ते पूर्व प्रस्तुति न करथिबा बेले अत्यधिक भिड़ हेतु परिस्थिति असंभाल होता यह सत्वे घटनास्थल में उपस्थित अधिकारी एवं पुलिसकर्मी यहाँ गुरुतर सह नहीं नथिले कि भिड़ को नियंत्रण पाई कौन से त्वरित कार्यानुष्ठान ग्रहण कर नथिले बोली एसआईटी निजो रिपोर्ट रे उल्लेख करी छी जैसा कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है शासन ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए यहाँ के उपजिलाधिकारी सिकंदर राव वहाँ के तहसीलदार और भी हमारे सीओ वहाँ के इंस्पेक्टर और भी 2-3 चौकी इंचार्ज हैं कई सारे लोगों पर वहाँ काफी प्रभावी कार्रवाई की गई है लेकिन अभी भी जो रिटायर्ड जो जज हैं उनके द्वारा जो संयुक्त टीम बनाकर के जांच की जा रही थी अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी भी जांच लगातार चल रही है उस टीम ने भी आकर के यहाँ अनेकों अधिकारियों के पीड़ितों के बयान वगैरह दर्ज किए मैं समझता हूँ उसकी रिपोर्ट जैसी आएगी इसमें कहीं लग भी रहा है कि कोई चूक हुई है कोई और भी भूल हुई है तो निश्चित उसकी जाँच करा करके जाँच चल रही है जो रिपोर्ट आएगी उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी अभी तक बाबा का पता नहीं चला है आखिर कहाँ है ये मैं तो ये बात करना चाहता हूँ इतने आज हुए इसका हक बनता है कि नहीं यहाँ पे आने का पैसा मतलब जो भी मौत हुई है आने का हक बनता है कि नहीं मिलना चाहिए जब इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं इनसे इनका कोई मतलब तो है नहीं है जब ये लोग यहाँ पे आए तो बाबा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे ये बताइए हमें अनेपटे आज मृतकों परिवार को भेटी केंद्र मंत्री रामदास आठेवाले मृतकों परिवार को गभीर समवेदना जनाइवा सह दोषी कार्यानुषान वहाँ जो भी कुछ हादसा हुआ है बहुत बड़ी संख्या में लोग आने से वहाँ मतलब वहाँ जो हादसा हुआ है उसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब इस दुख में ऑलरेडी शामिल हो चुका है और मैं भी इस परिजनों को मिलने के लिए मैं इधर आया हूँ या 3 हमारी माताएं का मतलब इसमें मृत्यु हुआ है तो ये बात बहुत बड़ी गंभीर है बाबा से मिलवाओ पहले तो उन्हें देगा बाबा से मिलना बस पहले बाबा को तो बुला दो जब तो बातचीत होंगी बताओ कैसे हो जाएंगी ऐसे अभी तो कुछ ना इंसाफ मिल लो जब इंसाफ मिले हो जबकि जब देखी गत 2 तारीख रे उत्तर प्रदेश रो हाथरस रे भोले बाबा को सत्संग कार्यक्रम आयोजित होइतला एई कार्यक्रम रे दोलाचकट जोगु 121 जन को मृत्यु होई छि ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज सीमा तू प्लस 2 परे कोन करिवु बीएससी नर्सिंग आउ तू एमआरटी तू बीएससी ऑप्टोमेट्री तू कोन करिवु बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी रिया तू बीएससी इन ईएमटी तू बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी आउ तू बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी अच्छा रोजी तू कोन पढिबु मु तो बीपीटी पढिबी अच्छा मैं कोठी पढिबा साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभिन को स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।